डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है अधिवास भूगोल, और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है अधिवास भूगोल की प्रमुख संकल्पनाओं अथवा अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है यह एमए ज्योग्राफी की जो अधिवास भूगोल है उसके मेन एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखेंगे हम, या किस प्रकार से इसमें प्रस्तुत किया गया है इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है यह दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वह प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रस्तावना को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं या प्रस्तावना में क्या अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रस्तावना। महत्वपूर्ण दृष्टांतों के आधार पर अर्जित सामान्यीकरण के द्वारा प्रतिपादित तर्क मान्यता या विचार को क्या कहते हैं, संकल्पना कहते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ जो ज्ञान अर्जित किए रहते हैं उनको क्या करते हैं, किसी तर्क या मान्यता या विचार के रूप में प्रतिपादित करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, संकल्पना या अवधारणा कहते हैं। जैसे कि आप किसी जनजाति या किसी तथ्यों के आधार पर किसी क्षेत्र की क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, और फिर सर्वेक्षण के बाद उसमें एक प्रमुख तथ्य के आधार पर एक तर्क या मान्यता जो है प्रतिपादित करते हैं कि ये इस गांव की प्रमुख विशेषता है या इस वजह से इस गांव में ये स्थिति है, इस प्रकार से। तो वह क्या हो जाएगा, उस गांव से संबंधित एक अवधारणा या संकल्पना हो जाएगा। ये सामान्यतः जो प्रत्येक वैज्ञानिक विषय है या अन्य विषय है उनकी अपनी अपनी मूलभूत क्या होती है, अवधारणाएँ या संकल्पनाएँ होती है, जिसके आधार पर उस विषय की क्या किया जाता है, व्यापक और सार्थक विस्तृत विवेचन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे विषयों तथा भूगोल के अन्य शाखाओं की तरह अधिवास भूगोल के भी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ या संकल्पनाएँ हैं। अधिवास भूगोल के तथ्यों को जानने और उनके सार्थक विश्लेषण के लिए क्या होता है, इन सभी तथ्यों या अवधारणाओं का अध्ययन करना या समझना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ग्राम और नगर क्या है, अधिवास भूगोल के प्रमुख दो पक्ष हैं। अतः ग्राम और नगर की संकल्पना क्या है, अधिवास भूगोल की सबसे मौलिक या प्राथमिक संकल्पना है। यानी कि इसमें क्या गया है, जो प्रस्तावना में उसमें कहा गया है कि जो अधिवास भूगोल की जो प्रमुख संकल्पना है वह क्या है, नगरी अधिवास और ग्रामीण अधिवास से संबंधित जो संकल्पना है वह क्या है, सर्वप्रमुख है। और इससे जुड़े अन्य संकल्पनाएं भी मौजूद है जो कि नगरी अधिवास और ग्रामीण अधिवासों से जुड़े हुए हैं, जो कि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन सभी की व्याख्या हम नीचे करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अधिवास भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं क्या क्या है ये, इसके बाद हम उसकी व्याख्या देखेंगे। अधिवास भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं जो है ये इस प्रकार से है, तो चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम है ग्रामीण अधिवास या ग्राम की संकल्पना, ये क्या है, सर्वप्रमुख संकल्पना या अवधारणा है, किसकी, अधिवास भूगोल की। फिर सेकंड है नगर एवं नगरीय क्षेत्र की संकल्पना, ये सेकंड संकल्पना है। फिर है ग्राम्य स्तर, सॉरी ग्राम्य नगर सांतत्य संकल्पना, इसमें क्या होता है, जो ग्राम क्षेत्र है और नगरीय क्षेत्र है ये दोनों इस प्रकार से सम्मिलित होते हैं कि इन्हें अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसे कहते हैं ग्राम्य नगर सांतत्य क्षेत्र की संकल्पना। फिर है विधिक नगर और भौगोलिक नगर की संकल्पना, यानी कि इसमें क्या देखेंगे, जो विधिक नगर है यानी कि प्रशासन द्वारा सीमांकित नगर है और भौगोलिक नगर है, एक स्वतंत्र नगर है, ये इसका अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अध्ययन करेंगे हम
अधिवासों के स्थल एवं स्थिति की संकल्पना। इसमें क्या कह गया है, अधिवासों के स्थल से तात्पर्य है जो स्थल है उसमें जहाँ तक के अधिवास स्थान है उसे अधिवासों के स्थल कहते हैं, और जहाँ तक उस अधिवास क्षेत्र की स्थिति है यानी कि विस्तार है जहाँ तक वह फैला है वह क्या है, उसकी स्थिति कहलाता है। जैसे कि ये क्या है, एक अधिवास बसे हुए क्षेत्र है, ये सभी अधिवास है, कुछ छोटे कुछ बड़े अधिवास है, और इसमें क्या होगा, ये क्या है, स्थल कहलाएगा। यानी कि जो ये क्षेत्र है ये सभी क्या है, जो अधिवास बसे हुए हैं ये स्थल हो जाए, इसको हम स्थल कहेंगे। और इसकी स्थिति क्या होगी, ये जो क्षेत्र है इसकी सीमा है जहाँ तक यह फैला हुआ है, ये सभी इसका क्या होगा, स्थिति होगा, इसको हम स्थिति कहेंगे। ये स्थिति है, और ये जो है अधिवास जहाँ तक फैला हुआ है ये इसका स्थल है। तो इस प्रकार से होते हैं अधिवास की स्थिति और स्थल। फिर है अधिवास के आर्थिक आधार, उसकी संकल्पना, यानी कि अधिवास जो है उसकी आर्थिक आधार क्या है, जो नगरीय अधिवास है उसकी आर्थिक आधार क्या है, और जो ग्रामीण अधिवास है उसकी आर्थिक आधार क्या है, जो ग्रामीण अधिवास लोग किस प्रकार के आर्थिक क्रिया में लगे रहते हैं, प्राथमिक आधार आर्थिक क्रिया में लगे रहते हैं, जैसे कि कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, कुटकुट पालन हो गया, मछली पालन हो गया, संग्रहण कार्य है, ये सभी क्या है, ये प्राथमिक आर्थिक आधार का कार्य है। और जो नगरीय अधिवास के लोग क्या करते हैं, इसमें जो आर्थिक आधार के कार्य है वह द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक कार्य में लगे होते हैं, ये सभी क्या है, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर है सेवा केंद्र या केंद्र स्थल की संकल्पना, ये क्या होता है, ये नगर क्षेत्र में स्थित होता है या एक प्रमुख केंद्र में होता है, यहाँ से क्या होता है, जो आसपास के क्षेत्र है उनको क्या प्राप्त होती है, सेवाएं प्राप्त होती है, उनको उनकी आवश्यकताओं की जो सामानें हैं या वस्तुएं हैं वो क्या होते हैं, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, ये होता है केंद्र स्थल या सेवा केंद्र, जहाँ पर क्या होता है आकर्षण की शक्ति केंद्रित होती है, सभी जनसंख्या वहाँ पर क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्रम में दिया हुआ है अधिवास पदानुक्रम की संकल्पना। अधिवास पदानुक्रम की संकल्पना से क्या तात्पर्य है, जो अधिवास होते हैं नगरीय अधिवास हो या ग्रामीण अधिवास हो, उनको क्या किया जाता है, उनकी प्रकृति उनकी विशेषता उनके गुणों के आधार पर या कार्यात्मक आधार पर क्या करते हैं, उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में यानी कि घटते या बढ़ते क्रम में उनको व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि वृहद स्तर के अधिवास, लघु स्तर अधिवास, मध्य स्तर अधिवास, ये क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया। अब इसी को अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं तो ये जो हो जाता है ये लघु को पहले कर दिया जाता है, फिर मध्यम, फिर वृहद, इस प्रकार से। या ग्रामीण अधिवास को देखते हैं तो उसका रूप क्या होता है, पहले में पल्ली या पूर्वा को रखते हैं, इसके बाद जो अधिवास के रूप है उसको आगे के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो जो आपका ग्राम है यह प्राथमिक में रखे जाएंगे, फिर आपके ग्राम पंचायत हो गया, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसके बाद हो गया आपके जो जिला पंचायत है वो इस प्रकार से चले जाएगा, यानी कि ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम में उसके क्या कहते हैं, पद के अनुसार उसको व्यवस्थित किया जाता है। ये हो जाता है अधिवास पदानुक्रम की संकल्पना, यानी कि इसमें अधिवासों को उनकी गुण प्रकृति या विशेषता के आधार पर एक क्रम दिया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, इन सभी जो विचारधाराएं हैं उनका अध्ययन ग्रामीण अधिवास पदानुक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नीचे इन सभी की जो है विस्तार से व्याख्या देखेंगे, सबसे पहले इनका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि क्या इसमें अध्ययन करना है या किन किन विचारों को इनमें सम्मिलित किया गया है, तो फिर आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रधान नगर की संकल्पना, यानी कि ये ऐसा नगर होता है जो जितने भी नगर होते हैं किसी क्षेत्र या प्रदेश में उनको क्या करता है, उन सभी का यह प्रधान होता है, प्रमुख नगर होता है। जैसे कि हमारे भारत में कौन सा है, जो दिल्ली है, प्रशासनिक प्रधान नगर है दिल्ली, और जो सभी राज्य है उनकी राजधानी ये क्या है, उन राज्यों के लिए एक प्रधान नगर होता है,
इस प्रकार से इसमें इन विचारों को सम्मिलित किया गया है। फिर है ग्रामीण नगरीय संकल्पना। ये ग्रामीण नगरीय संकल्पना क्या होता है, जब एक क्षेत्र क्या हो जाता है, नगरीय क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है या वहाँ पर जनसंख्या के अधिक घने बसावट हो जाती है तो क्या होता है, या वहाँ पर जो किराया वगैरह अधिक बढ़ जाता है तो एक उपांत क्षेत्र का निर्माण होता है, जहाँ पर क्या होते हैं नगरी विशेषता भी पाए जाते हैं और ग्रामीण विशेषता भी पाए जाते हैं। सामान्यतः जो नगरों से दूरी यानी कि उपांत क्षेत्र से दूरी बढ़ती जाती है तो वहाँ पर ग्रामीण विशेषता अधिक होती है, और नगरों के समीप जाते ही क्या होता है नगरी विशेषता अधिक होती है। तो इस सभी तथ्यों को इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नगरीय प्रभाव क्षेत्र, यानी कि जो नगर है उसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक पड़ता है। ये जो क्या है आपका नगर है, और इसमें क्या है एक प्रमुख नगर होता है, ये छोटे छोटे नगर आसपास होंगे और एक प्रमुख नगर होता है, इनका प्रभाव क्या है, ये पूरे कहाँ तक के पड़ रहा है, ये पूरे क्षेत्र में पड़ रहा है या कुछ क्षेत्र में पड़ रहा है, इन सभी तथ्यों का अध्ययन इसके अंतर्गत, यानी कि एक नगर है उसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक पड़ रहा है, इन सभी का अध्ययन हम नगरीय प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। फिर है अधिवास की आकारकी की संकल्पना। सॉरी ये कटा नहीं है, ये अधिवास की आकारकी की संकल्पना। इसमें क्या देखते हैं, जो ग्रामीण अधिवास है और नगरीय अधिवास है, ये इनके जो आकार पाए जाते हैं जैसे कि रेखीय आकार के होते हैं या वृत्ताकार के होते हैं या अन्य आकार के भी होते हैं, जो कि नदी किनारे बने होते हैं, तीर प्रतिरूप होते हैं, आरी प्रतिरूप होते हैं, इन्हीं के आधार पर जो आकार के वृहदाकार की लघु आकार की, इन सभी के आधार पर अधिवास भूगोल की जो आकारकी की संकल्पना है या प्रतिरूप की संकल्पना है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है नगरीकरण की संकल्पना। तो इसके अंतर्गत जो नगरों का जो वृद्धिकरण है या ग्रामीण क्षेत्र का नगरों की ओर वृद्धिकरण है या उसका विकास है, इन सभी तथ्यों का अध्ययन नगरीकरण की संकल्पना के अंतर्गत करेंगे। ये जो 18 लिखा है या 30 है तो इसे आप सुधार लेंगे। तो ये हो गया उसका संक्षिप्त परिचय। अब आगे हम देखेंगे इसकी विस्तार से व्याख्या। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 13 पॉइंट है, तो एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो व्याख्या है हम दो वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में लगभग 6-7 देख लेते हैं, फिर बचा हुआ शेष जो है अगले वीडियो में देख लेंगे, यानी कि अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी व्याख्या या वर्णन, कि उनमें किन किन विचारों को विद्वानों ने सम्मिलित किया है। ये तो जो अधिवास भूगोल की संकल्पनाएं हैं उनमें सर्वप्रमुख क्या है, ग्रामीण अधिवास की संकल्पना अथवा अवधारणा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किन किन विचारों को शामिल किया गया है। ग्रामीण अधिवास की अवधारणा, इस संकल्पना के अंतर्गत हम जो अधिवास की सामान्य परिचय है यह देखेंगे, और ग्रामीण अधिवास की जो संदर्भ में प्रमुख विचारधाराएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अधिवास है यह एक प्रादेशिक इकाई है और इसका जो निर्माण है वह मानव बसाव प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। मानव क्या करता है, किसी क्षेत्र में जाकर निवास करते हैं और उससे क्या हो जाता है, एक बसाव इकाई का निर्माण होता है और उसी से जो है अधिवास का निर्माण हो जाता है या उसी को अधिवास कहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, जो वन्य क्षेत्र होता है उनका जो है रूपांतरण हो जाता है, किस रूप में, मानवीकरण के रूप में, क्योंकि मानव क्या करता है वन्य क्षेत्र में जाता है और उसको सफाई करके अपना अधिवास स्थान बनाता है। इससे क्या होता है, उस वन्य क्षेत्र का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है, मानवीकरण के रूप में हो जाता है, क्योंकि पहले वह क्या था, वन्य क्षेत्र था, अब मानव के जाने से मानवीकरण यानी कि मानव समाज के रूप में स्थापित हो जाता है। जो अधिवास है इसके अंतर्गत गृहों के कुछ समूह को लेकर के
यानी कि गृहों के कुछ समूह से लेकर के जो महानगर है इन सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि जो अधिवास है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें दो चार घरों को भी सम्मिलित किया जाता है और बहुत सारे गृहों के समूह या नगरों के समूह को, जैसे कि महानगर है, वृहद नगर है, इनको भी इनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर दिखाया गया है अधिवास का तात्पर्य। अधिवास का तात्पर्य उस बसाव इकाई से है जिसमें क्या होता है, जनसंख्या का समूहन होते हैं और इसमें मार्गों, गृहों, इन प्रकार की सुविधाएं मौजूद होती है, इसे क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या आकार और प्रशासकीय स्थिति के आधार पर अधिवासों को प्रधान रूप में दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। जो ग्रामीण अधिवास है उसका अध्ययन हम, यानी कि उसको किस नाम से जानते हैं, ग्राम के नाम से जानते हैं, और नगरीय अधिवास को नगर के नाम से जानते हैं। साधारणतः जिन अधिवासों में क्या करते हैं, अधिकतर लोग जो है ये कृषि कार्य में लगे रहते हैं या पशुपालन, मछली पालन, संग्रहण, इन सभी कार्यों में लगे रहते हैं, यानी कि ये सभी क्या है, प्राथमिक कार्य है, इनमें लगे रहते हैं, वे ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं ये। और जहाँ के अधिकांश लोग द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्यों में लगे रहते हैं, वे क्या है, नगरीय अधिवास के अंतर्गत आते हैं। ये द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्य क्या है, ये प्राथमिक जो कार्य है उसके उच्च स्तर के कार्य है। जैसे कि प्राथमिक स्तर में क्या होता है, धान उत्पन्न होता है, तो द्वितीयक वर्ग के लोग क्या करेंगे, उसको कुछ और रूप में परिवर्तित करेंगे, ये हो जाएगा द्वितीयक वर्ग के लोग, यानी कि इसमें क्या करते हैं, पुनः उत्पादन का कार्य करते हैं। तृतीयक, चतुर्थक में जो प्रशासनिक वर्ग में कार्य करते हैं या अन्य किसी प्रकार के कार्य करते हैं, ये सभी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक में आ जाते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक क्रियाओं की प्रमुखता ग्रामीण अधिवासियों की प्रमुख विशेषता है, यानी कि जो प्राथमिक क्रिया है यह क्या है, ग्रामीण अधिवास की प्रमुख विशेषता है। उन व्यवसायों व प्राथमिक, यानी कि उन क्रियाओं या व्यवसायों को प्राथमिक माना जाता है जो प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जैसे कि मछली पकड़ना यह क्या है, प्रकृति से या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। पशुपालन या पशु शिकार, पशुपालन के बाद हो गया कृषि कार्य, उत्खनन, बागवानी, ये सभी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से भूमि से या प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ये सभी क्या है, प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य होते हुए क्या होता है, अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जैसे कि कृषि कार्य करना है तो उसके लिए क्या होता है, हमें अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। कृषि आदि प्राथमिक कार्यों से जुड़े लोग क्या करते हैं, साधारणतः आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी दृष्टिकोण से जो है उनका जो अपेक्षाकृत जीवन स्तर क्या है, वो निम्न होता है, किंतु जो शहरी क्षेत्र के होते हैं उनका जो जीवन स्तर क्या होता है, वो उच्च होता है। ग्रामीण अधिवास साधारणतः लघु आकार के होते हैं और उनकी जो सघनता है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और उनकी जो संरचना है वह सरल संरचना के होते हैं, ये जो सरल लिखा है वह सरल है, तो ग्रामीण अधिवास की जो संरचना है वह बहुत ही सरल होता है, समांगी होता है, और वहाँ का सघनता जो है बहुत कम होता है और आकार जो है लघु आकार के होते हैं। लेकिन शहरों में क्या होता है, बहुत ही सघन जनसंख्या होती है और सघन अधिवास होते हैं, उनकी संरचना भी बहुत ही कठिन होता है, एक सरल रूप में नहीं होता है, एक विशेष रूप में होता है, और आकार जो है वो कैसा रहता है, वृहद रहता है। तो ये जो होता है ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया। फिर आगे देख लेते हैं, जो ग्रामीण अधिवास होता है वह नगरी अधिवासों से अनेक मामलों में क्या होता है, पृथक होते हैं। ग्रामों का जो आकार होता है वह क्या है, नगरों से छोटा होता है, ये उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर। और गृहों की जो संख्या होती है वह क्या होता है, ज़्यादातर कम पाए जाते हैं, जो कि नगरी क्षेत्र में क्या होते हैं, जो गृहों की संख्या होती है वह अधिक होती है और ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग बने होते हैं, यानी कि वहाँ की जो घनत्व जो है वह अधिक होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में घनत्व भी कम पाया जाता है। ग्रामीण अधिवासों में जनसंख्या का घनत्व नगरों की अपेक्षा बहुत ही कम पाया जाता है।
ग्रामीण अधिवास में प्राथमिक कार्यों जैसे कि कृषि, आखेट, पशुपालन, मत्स्य खनन, इन सभी कार्य क्या है मुख्यतः पाई जाती है। कुछ गृहों के समूह वाले लघु ग्रामीण अधिवास को क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं या नांगला कहते हैं, और अधिक गृहों के समूह को ग्राम या गांव कहा जाता है। एक राजस्व ग्राम के तहत निर्मित क्षेत्र जैसे बाग बगीचे, तालाब, बंजर भूमि, कृषि भूमि आदि सम्मिलित होते हैं। ये हो गया आपके ग्राम की जो संकल्पना है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित किए जाने वाले विचारधाराएं या तथ्य। अब आगे देखेंगे हम जो नगरी क्षेत्र की अवधारणा है, ये पहले आप इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद एक बार अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नगरी क्षेत्र की अवधारणा, इसके अंतर्गत किन किन तथ्यों या विचारों को सम्मिलित करते हैं। नगरी क्षेत्र की अवधारणा, आप सभी को पता है कि विभिन्न युगों से जो मानव का नगर सभ्यता है और संस्कृति का केंद्र है, किंतु ये जो अवधारणा है या देश समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। नगर शब्द का जो प्रयोग है यह टाउन और सिटी दोनों के लिए किया जाता है, किंतु ये टाउन शब्द का जो प्रयोग होता है दो अर्थों में होता है, एक संकुचित अर्थ और एक विस्तृत अर्थ। संकुचित अर्थ में नगर पालिका, टाउन एरिया, टाउन केंद्र, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, और जो विस्तृत अर्थ है उसके अंतर्गत जो टाउन है, सिटी है, मेट्रोपोलिस है, यानी कि महानगर, वृहद नगर, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। जो नगरी भूगोल है इसमें जो आंग्ल भाषा है उसके टाउन और सिटी दोनों शब्दों को पर्यायवाची रूप में सम्मिलित किया जाता है, किंतु जो विशेष अर्थ है उसमें जो लघु नगर होता है उसको टाउन या कस्बा कहते हैं, और जो बड़े नगर होते हैं यानी कि वृहद नगर उसको सिटी, शहर या नगर के रूप में तथा मेट्रोपोलिसन या महानगर के रूप में जाना जाता है। ये इसमें अंतर है, यानी कि जो टाउन क्या होता है, एक कस्बा होता है, एक लघु क्षेत्र होता है या लघु नगर होता है, यानी कि इसमें जो नगर का प्रकार किस प्रकार होता है, छोटा होता है। लेकिन जो सिटी है उसमें क्या होता है, जो नगर का प्रकार होता है वह बहुत ही वृहद विस्तृत होता है, जिसे हम महानगर या वृहद नगर के नाम से जानते हैं। फिर है जनसंख्या व क्षेत्रफल, जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, भूमि उपयोग के आधार पर, गृह घनत्व या प्राथमिक स्तर, इन सभी सांस्कृतिक आधारों के नज़रिए से क्या होता है, जो नगरों की विशेषताएं जो है ये निम्न प्रकार से हैं। तो चलिए देख लेते हैं, प्राथमिक जो विशेषता है वह है जो नगर का आकार होता है वह क्या है, जनसंख्या, क्षेत्र एवं क्षेत्रफल प्रायः क्या होता है, ग्रामों से बड़ा होते हैं, साधारणतः एक न्यूनतम सीमा के ऊपर जनसंख्या वाली होती है, यानी कि यहाँ का जनसंख्या क्या होता है, एक न्यूनतम सीमा से ऊपर होता है, वह क्या होता है, नगर माना जाता है। यद्यपि जो जनसंख्या है वह न्यूनतम सीमा देश काल के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि हमारे भारत में क्या है, इसकी सीमा 5000 जनसंख्या है, जो नगर है उनकी न्यूनतम सीमा है, लेकिन अन्य जो राष्ट्र है या देश है वहाँ पर क्या होता है, इनकी जो संख्या है वह कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। जो साक्षर देश है वहाँ पर इसकी सीमा क्या है, बहुत ही न्यूनतम संख्या में निर्धारित है, और जो नगर के लिए क्या है, न्यूनतम संख्या जो है फ्रांस और पुर्तगाल में, यह देखिए आप क्या है, हमारे भारत में कितना है, 5000 है, लेकिन जो पुर्तगाल और फ्रांस है वहाँ पर 2000 बस दिया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2000 दिया है। ये है वहाँ की जो जनसंख्या है वो मानी गई है नगर क्षेत्र का। तो जो नगर का आकार क्या होता है, प्रायः ग्रामों से बड़ा होता है। फिर अगली जो विशेषता है वह है नेक्स्ट विशेषता, ये है ग्रामीण अधिवासों के पशुपालन, कृषि कार्य आदि प्राथमिक कार्यों की प्रधानता
पाई जाती है, जबकि नगरीय अधिवासों में क्या होता है, अधिकतर कार्यशील जनसंख्या जो है द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में और उद्योग व्यापार प्रशासनिक शिक्षा परिवहन सेवा आदि में संलग्न रहते हैं। यानी कि जो नगरीय जनसंख्या है वो क्या रहते हैं, नगरीय अधिवास के लोग पशुपालन कृषि पालन प्राथमिक कार्य इन सभी की प्रधानता जो है ग्रामीण अधिवासियों में पाए जाते हैं, तो इन कार्यों में संलग्न न रह के वो लोग द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि उद्योग व्यापार प्रशासनिक कार्य शिक्षा परिवहन सेवा आदि में लगे रहते हैं। ये उनकी सेकेंड विशेषता है। और तीसरी जो विशेषता है वह है नगर का जो सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा उन्नत होता है, उच्च होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति धनी उच्च आय वर्ग के लोग सामान्य नगरों में निवास करते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति है, व्यापारी लोग हैं, धनवान लोग हैं, उच्च आय वर्ग के सभी लोग क्या करते हैं, सामान्यतः नगरों में निवास करते हैं। यह इसकी तीसरी विशेषता है। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है वह है प्रशासन के लक्ष्य से नगर में कोई स्थानिक प्रशासनिक संस्था होती है। यानी कि यह बस क्या होता है, स्थानिक प्रशासनिक संस्था होती है, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, टाउन एरिया, नेटिफाइड एरिया, इस प्रकार से वहाँ पर क्या होता है, एक प्रशासनिक संस्था होती है। जैसे कि आपके जिला पंचायत भी क्या होता है, एक नगर एरिया का आ जाता है, इस प्रकार से। फिर नीचे जो है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है भारत के संदर्भ में, ये भी देख लेते हैं जो समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में क्या है, 100,000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को सिटी के अंतर्गत और 1,000,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि 1,000,000 से 1,000,000 या अधिक जनसंख्या क्या है, महानगर के अंतर्गत आता है, और 1,00,000 या इससे अधिक जनसंख्या यानी कि 900,000 के अंदर तक की जो जनसंख्या क्षेत्र है वह क्या है, नगर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे हम सिटी कहते हैं। और महानगर में क्या है, 1,00,000 से अधिक है। ये हमारे भारत की एग्जाम्पल है। ये कई नगरों या एक नगर के बाह्य विस्तार द्वारा निर्मित सतत एवं विस्तृत नगरीय क्षेत्र को नगरीय प्रदेश कहते हैं। नगरीकृत प्रदेश आदि ये सभी क्या है, एक पर्यायवाची नाम है। नगरीय प्रदेश, नगरीकृत प्रदेश, नगर प्रदेश, ये सभी पर्यायवाची नाम को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। भवन, कारखाने, पार्क आदि सभी क्या है, ये नगरों में बने होते हैं। और आसपास की जो स्थिति है यह क्या होता है, एक सरनगर, यानी कि आसपास फैले रहते हैं, जिसे हम सरनगर कहते हैं। वृहद नगर, नगर समूह आदि का निर्माण होता है। यानी कि जो आसपास की स्थिति जो है क्या है, वह विस्तार जो है बहुत ही अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ आकृति या नगरीकृत क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम सरनगर के नाम से जानते हैं, वृहद नगर के नाम से जानते हैं, नगर समूह के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया नगरीय क्षेत्र का जो संकल्पना है वह। अब देखेंगे हम ग्राम्य नगर सांतत्य संकल्पना। हमारा नेक्स्ट संकल्पना है ग्राम्य नगर सांतत्य की संकल्पना। ग्राम्य नगर सांतत्य की संकल्पना, तो चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत किन विचारों को सम्मिलित किया जाता है। जो ग्राम्य नगर सांतत्य क्षेत्र है वह ऐसा क्षेत्र है जिसमें गांव और नगर का जो सम्मिश्रण जो है, यानी कि सम्मिश्रण जो है इतना हद तक होता है कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो गांव और नगर है और क्या होता है, इतना अधिक सम्मिश्रित होता है कि उन्हें हम गांव या नगर के रूप में अलग करने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है, तो वह क्या कहलाता है, ग्राम्य नगर सांतत्य क्षेत्र होता है। जो पुराने समय में होते थे वहाँ पर क्या होता है, जो नगर या नगर होते थे वे क्या होते थे, चार दीवारों से घिरे होते थे, तब उनमें क्या होता था, जो ग्रामीण अधिवास है उनको अलग करना और नगरीय अधिवास को अलग करना यह क्या होता था, बहुत ही सरल सुगम होता था। किंतु अभी जब आधुनिक समय में देखते हैं तो खुली सीमाएं क्या होती है, नगर और ग्रामों को जो अधिवास है उसको अलग करना बहुत ही कठिन बना देता है।
यानी कि इसमें कहा गया है कि जो ग्राम्य नगर सांतत्य क्षेत्र है वह क्या है, ग्राम और नगर क्षेत्र का एक ऐसा सम्मिश्रण है जहाँ पर उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ का विशेषता जो है बहुत एकदम एकीकृत रूप में होता है। और जो प्राचीन समय में था वहाँ के जो नगर थे वह क्या थे, चार दीवारों से घिरा रहता था, लेकिन तो अभी क्या है, स्वतंत्र है, तो उसे अलग कर पाना और भी मुश्किल है। यद्यपि बड़े आकार वाले जो नगर होते हैं वह क्या होते हैं, ग्रामों से अलग करना कठिन हो जाता है, किंतु ऐसे अधिवासों को जहाँ ग्रामीण अधिवास नगरी अधिवास दोनों विशेषताएं मिश्रित रूप में पाई जाती है, वह क्या होता है, स्पष्ट रूप से किसी एक श्रेणी के तहत रखना अत्यंत कठिन, क्योंकि वह जो नगर या ग्रामीण क्षेत्र है उसके अलग ही कर नहीं पाते हम, तो यह क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। ऐसे मिश्रित प्रकृति वाले अधिवास को किसी प्रमाणिक तथा सर्वमान्य सीमा द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह क्या है, दोनों की विशेषताएं लगभग एक समान प्रतीत हो रहा है। इसमें एक तथ्य दिया हुआ है परिभाषा के तौर पर, ये वास्तव में नगर और देहात एक संतत्य के रूप में है, न कि द्वैत रूप में, यानी कि इसमें कहा गया है नगर और जो देहात है यानी कि गांव है, यह क्या है, दो रूप में न होकर के एक ही क्षेत्र में है, सांतत्य यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम अलग कर पाने में बहुत ही मुश्किल होता है, ये एक विचारधारा या कथन है। फिर बताया गया है कि जो अधिवास भूगोल की इस संकल्पना को ग्राम्य नगर सांतत्य की संकल्पना के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसमें प्रमुख रूप से एक ही बात निर्भर करती है कि वह क्षेत्र, जैसे कि यह एक ग्रामीण क्षेत्र है और ये एक नगर क्षेत्र है, किंतु क्या है, दोनों में समानता है और दोनों एक दोनों में क्या है, एक ही प्रकार के सेवाएं उपलब्ध है, तो इसी ही हम क्या कहेंगे, जो ग्राम्य नगर क्षेत्र है, ये ग्राम्य नगर क्षेत्र है, ये सांतत्य क्षेत्र हो गए, क्योंकि इसे हम अलग कर पाने में असमर्थ है, क्योंकि सभी प्रकार की सुविधाएँ इस क्षेत्र में मौजूद है। फिर है नेक्स्ट हमारा जो संकल्पना है वह है विधिक अथवा भौगोलिक नगर।